मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हेल्थ सिस्टम की पोल खोल रही हैं। सरकार के दावों को खोखला साबित कर रही हैं। ताजी तस्वीरें पन्ना और रीवा और रतलाम जिले से सामने आईं। पन्ना में 4 साल की आदिवासी बच्ची की मौत हो गई। सब को गांव ले जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने उसके माता पिता से 1100 रुपए मांगे, नहीं देने पर अस्पताल से 2 किलोमीटर दूर उन्हें उतार कर चला गया। वहीं रीवा में सांप ने एक महिला को डस लिया था। सड़क खराब होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंची। महिला ने इलाज के अभाव में वहीं दम तोड़ दिया। इधर रतलाम के आलोट में सरकारी अस्पताल में मरीज के बेड पर कुत्ता सोता नजर आया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पन्ना जिले के पहाड़ी खेरा क्षेत्र के ग्राम लोहराई में 7 सितंबर को दूषित पानी से गांव के लोग बीमार हो गए थे। उल्टी दस्त होने के कारण 2 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। करीब 60 लोगों का गांव में ही इलाज किया। गांव में रहने वाले मुनाई आदिवासी की 4 साल की बेटी संजना सहित 12 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। यहां उपचार के दौरान संजना की हालत बिगड़ती गई। गुरुवार को उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बेटी संजना की मौत के बाद पिता मुनाई ने सब घर ले जाने के लिए अस्पताल से सब वाहन की मांग की। करीब 2 घंटे बाद उसे वाहन मिला। यहां से उसे एम्बुलेंस से गांव के लिए रवाना किया गया। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने संजना के पिता मुनाई से 1100 रुपए मांगे। पिता ने रुपए नहीं होने की बात कही। पैसे नहीं देने पर ड्राइवर ने उन्हें 2 किलोमीटर दूर अजयगढ़ चौराहे पर उतार दिया। बेबस पिता 4 साल की बेटी के सब को कंधे पर लिया और माँ दूसरे बच्चे को कंधे पर लिए ड्राइवर से गुहार लगाते रहे। इसके बाद भी ड्राइवर नहीं रुका और वापस चला गया। इसके बाद परिजन बेटी के सब को कंधे में रखकर इधर उधर भटकने लगे, अपनी बच्ची को कंधे पर ले जाने लगे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई तो कुछ लोगों ने उन्हें संबल सूचना मिलने पर नगर के कुछ समाज से भी वहां पहुंचे। उन्होंने मामले में हस्तक्षेप किया, अस्पताल प्रबंधन से बात कर सब वाहन मंगाया। कांग्रेस नेता शशिकांत दीक्षित ने सिविल सर्जन डॉक्टर एलके तिवारी को इस घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद आनन फानन में सब वाहन की व्यवस्था कर उन्हें गांव पहुंचाया।